मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हिंदुस्तान के वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहसियत एक बाप, बहसियत एक भाई, बहसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बुल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खवातीन पर लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, ये कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम यह कानून 377 में हार्म थ्योरी को एस्पाउस किया गया, हार्म थ्योरी के खिलाफ है एक्ट। और मैडम मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन करा दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो ट्रिनी है। आप ट्रिनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम सुन लीजिए, मैडम मेरे प्लीज सुन लीजिए, मैडम ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान बारे में, उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या यह कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे, ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला हैं मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब, मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A, 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है तो 2 साल की सजा।
अरे बेंथम और मोंटेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान निकाहनामे में लिखिए अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा, उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई तीन बार कहेगा तो एक बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना, इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। सबसे सलाह कौन देगा? एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका बताइए, कुछ किया आपने उसके लिए? प्लीज मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस ज्यूरिसप्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है, आप प्लुरालिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट खवातीन ने निकला, कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर, कहां गए बताइए, कहां गए बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में, ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम, तोते चश्मा कहते हैं उनको, ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम आप, अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिए हम, क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, ये कौन करेगा इसका डिजर्शन? मैडम सुन लीजिए डिजर्शन, मैं आके एक मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्शन का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है, क्या हुआ? सोशल इवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट